फ्रेंड्स बहुत कम टाइम में और मज़ेदार सा नाश्ता बन जाए तो उसकी बात ही कुछ और है और बहुत मज़ा आ जाता है नाश्ता करने में। तो फ्रेंड्स ऐसा ही नाश्ता की रेसिपी आज हम लेके आए हैं, बेसन और ब्रेड से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार नाश्ता जो झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में हमें एक कप बेसन लेना है और इसमें हमें कुछ थोड़ी से मसाले यूज़ करने हैं। तो आधी छोटी चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर ले रही हूँ और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ये कुटी हुई मिर्चें हैं। और एक छोटी चम्मच हमें काला नमक लेना है और इसी के साथ फ्रेंड्स हमें डाल लेना है एक थोड़ी सी 2 इंच के करीब हमें काली मिर्च पाउडर डालना है। और एक छोटी चम्मच हम इसके अंदर फ्रेंड्स डालेंगे जीरा पाउडर, इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा बेसन में। इसका जो पेट के लिए जीरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स अब इसके साथ हम इसके अंदर अब और बहुत कुछ नहीं और डालेंगे और एक कप पानी डाल देंगे और इसे विपर से बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है, या आप स्पून से जो भी आप जैसा भी करना चाहें उस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, लम्स नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा मिक्सचर है थोड़ा गाढ़ा है तो एक कप हम इसमें पानी डाल देंगे, यानी कि 1 कप हमने बेसन लिया है और 2 कप पानी लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं बढ़िया से, लम्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमें लेने हैं थोड़ी सी कुछ सब्जियां लेनी हैं। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसको इस तरह से बारीक काट लिया है। 1 नींबू लेना है, इसको इसका रस हम निकाल लेंगे। 2 मिर्चें बारीक काटी हैं और 2 प्याज हमने बारीक काट लिए हैं। तो इस नींबू का हम रस इसमें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं कह रही थी आप जो भी सब्ज़ी चाहें इसमें ले सकते हैं, या आपको कोई इसमें मसाले भी पसंद हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें इतना ही ले रही हूँ और 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है और नींबू हमने अच्छे से पूरा निचोड़ दिया था और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तवा मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ, तो लोहे के तवे को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर से ठंडा करके थोड़ा सा तेल डाल के बढ़िया से गर्म किया, तो ये नॉन स्टिक की तरह काम करेगा। तो मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, 2 ब्रेड ले लूँगी फ्रेंड्स मैं। तो जो मिक्सचर मैंने लिया था 1 चम्मच तेल डाल के अच्छे से गर्म किया और उसमें ये ब्रेड रखे, अब और मिक्सचर इस ब्रेड के ऊपर आपको डाल देना है। जितना लेना है आप उस हिसाब से अपने हिसाब से ले लीजिए जितना, और अच्छे से कवर हो जाना चाहिए ब्रेड मिक्सचर से। अब दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख देना है फ्रेंड्स और हल्का सा ये तेल लगा लेना है। आप घी और बटर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो ये सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे बॉईल करके ठंडा किया हुआ है तो कच्चा तेल नहीं है, एकदम अच्छे से बॉईल्ड है। तो फ्रेंड्स इसको एक तरफ से अच्छे से एकदम रेड रेड ऐसे जैसे सीख गया है इस तरह से सीख लेना है। जब इस तरह से अच्छे से सीख जाए तो जो हमने बेसन का घोल बनाया था वो वाला घोल इसके ऊपर इस तरह से डालना है। इससे फ्रेंड्स इस तरह से डालना है कि जो बेसन है हमारी ब्रेड के अंदर अच्छे से सोख ले, पूरा बेसन जो है अच्छे से ब्रेड भीग जाए और साइडों से हर जगह से अच्छे से जो ब्रेड है एकदम सोख ले बेसन को। तो हमने क्या किया है इसमें 2-4 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स ये जो थोड़ा थोड़ा हार्ड हो गया था साइडों से तो चाकू से उसकी लेयर को ऊपर चढ़ा दिया ब्रेड के ऊपर और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल साइडों में डाल के और थोड़ा सा 2-4 बूंदे ऊपर डाल दिए। तो और इसको इस तरह से हमें देख लेना है और पलट देना है इसको अच्छे से एक साइड से ताकि बेसन हमारा बहुत अच्छे से नीचे से पके, और उसी वही वाला प्रोसेस हमें ऊपर की साइड पे भी करना है। जो हमने घोल बनाया है बेसन का वो इसके ऊपर डाल देना है 1.5 से 2 इस तरह से बड़े चम्मच मैंने जो इसका यूज़ कर रही हूँ, और इसे इसको पलट के इस तरह से धीरे धीरे बढ़िया से हमें पका लेना है फ्रेंड्स। बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, हल्का हल्का तेल डाल के बहुत बढ़िया से एकदम दबा दबा के इसको सेक लेना है, एकदम से क्रिस्पी और करारा कर लेना है फ्रेंड्स। जो अंदर टमाटर प्याज जो है अच्छे से पक जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, खट्टा खट्टा बीच में से, और हमारा नाश्ता बन के तैयार है एकदम क्रिस्पी करारा बन के तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट है खाने में। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इवनिंग स्नैक्स में यूज़ कर सकते हो इसका, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो और बहुत झटपट बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।